देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता अभियान चलते तो आपने जरूर देखा होगा, लेकिन इस डॉक्टर की जज्बे को देख आपका भी सलाम करने का मन करेगा। वजह है इनके द्वारा अकेले शुरू किया गया ऐसा अभियान जो ना जाने कितने ही लोगों को प्रेरित कर सकता है। कहते हैं ना कि सफलता का चिराग सही दिशा में किए गए प्रयास से ही जलता है। ऐसा ही छोटा लेकिन बेहतर कारगर प्रयास में लगे हुए उत्तराखंड के श्रीनगर से आने वाले ये डॉक्टर जो सुबह शाम मरीजों का इलाज करते हैं, बाद में सड़कों पर कूड़ा कचरा उठाने का काम करते हैं। आप भी यह देख और सुनकर दंग रह जाएंगे कि आखिर एक डॉक्टर मरीजों का इलाज करने के साथ ही किस प्रकार से कचरे उठाकर सफाई कर रहा है। आइए जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर। यहाँ पर गणेश बाजार में मैं 40 साल से यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ, प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ, और मेरा पूरा परिवार जो है मेडिकल से जुड़ा हुआ। मेरा बेटा ऑर्थोपेडिक सर्जन है, मेरी बहू यहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट है, मेरा दामाद जो है वहाँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, वो देहरादून में है, और मेरी बेटी डेंटल सर्जन, सीनियर डेंटल सर्जन देहरादून में है। तो हम सभी मिलके जहाँ एकत्र होते हैं वहाँ पर सबसे पहले स्वच्छता का ध्यान में रखते हुए ये सफाई शुरू कर देते हैं। किसी भी शहर में जाएं तो हमारा ये उन्होंने कहा कि मैं 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। वैसे तो स्वच्छता अभियान चलाने के लिए बहुत सारे नेता से लेकर बहुत लोग सामने आए हैं, लेकिन हमारे पूरे परिवार के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। मैं एक डॉक्टर हूं, डॉक्टर होने के नाते मरीजों को स्वच्छ रहना सबसे बेहतर तरीका है कि वो स्वस्थ रह सकते हैं। स्वच्छ रहने के साथ ही आगे क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुने। जी, सबसे पहले तो डॉक्टर प्रोफेशन होने के नाते मैंने देखा कि मेरे पास मरीज आते हैं तो 80% मरीज ऐसे होते हैं जो कि गंदगी के कारण जिनको बीमारी आती है। तो मेरे ध्यान में आया कि यदि मैं कुछ जनता का भला चाहूं, इन मरीजों का भला चाहूं, तो उनको स्वच्छ रहने का कुछ संदेश दूं। और इसी बात से प्रेरित होकर के, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कार्यक्रम शुरू किया। अब जैसे सरकार तो इसमें हजारों लाखों रुपए खर्च करती है, लेकिन हकीकत में कोई काम नहीं करता, कोई कूड़ा उठाना पसंद नहीं करता। आपको पता है हर व्यक्ति जो है केवल भाषण देगा, झाड़ू हाथ में लेगा, फोटो खिंचवाएगा, चला जाएगा। इससे अलग हटके मैं अपनी गाड़ी में देखो, सामने मेरी गाड़ी देखिए, मैं उसमें जो भी गंदगी होती है चाहे वो लैट्रिन तक हो, मैं उसे उठा के गाड़ी में रखता हूँ और लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश देता हूँ। उनसे कहता हूँ कि कृपया यहाँ पर बिल्कुल गंदगी न डालें। अब इसका परिणाम ये मिला है कि आप देख सकते हैं कि श्रीनगर में, आप किसी भी शहर में जाइए, जितनी स्वच्छता आपको इस श्रीनगर में मिलती है आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगी। आइए, इस कारण हो रहा है कि मैं रोज़ सुबह शाम 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम पूरे शहर का चक्कर लगाता हूँ और यहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाता हूँ। मैं करीब 10 साल हो गए। अच्छा, हमने एक चीज़ और देखी, आप भी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी स्वच्छता अभियान को लेकर गंभीरता से चीज़ों को लेते हैं, इसको कैसे देखते हैं, इसको किस तरह से जोड़ते? देखिए, मोदी जी का सर्वप्रथम जो है, जब उन्होंने शपथ ली थी तो सर्वप्रथम उन्होंने अपने हाथ में झाड़ू लेकर सफाई की थी, आप देख सकते हैं। और इसलिए की थी कि लोगों को समझाएं कि भाई ये जब स्वच्छता अपनाओगे तो निश्चित आप स्वस्थ रहोगे। तो वहीं सरकार लाखों करोड़ों रुपए स्वच्छता अभियान पर खर्च कर रही है, वहीं आपकी एक पहल स्वच्छ और स्वस्थ बना सकती है। इस तरह की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए पंजाब केसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।